कर्णवीर एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसा नाम जो आज की तारीख में दुनिया के हर एक बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कर्णवीर एक ऐसा योद्धा जो आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च निछावर करके इस दुनिया से रवाना हुए। कर्णवीर सतना का एक ऐसा सपूत जो लोहा लेते हुए दो आतंकियों को ढेर करके ही इस दुनिया से रवाना हुए, और इस ऐसे वीर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से इतनी सारी भीड़ उमड़ने लगी। और साथ ही पहुंचते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। मुख्यमंत्री जी ने भावपूर्वक कर्णवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कहा कर्णवीर के भाई शक्ति सिंह को भी एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और कर्णवीर के परिवार जनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको सास की सेवा में रखा जाएगा ताकि परिवार की चिंता होती रहे, उनकी स्मृति हमेशा बनाए रखने के लिए गांव में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्णवीर सिंह सतना के एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहां पर उनके खुद पिता एक रिटायर्ड फौजी थे। उनके पिताजी का नाम रवि कुमार सिंह था और उनके दो बेटे थे, एक तो थे अपने कर्णवीर सिंह, दूसरे थे शक्ति सिंह। कर्णवीर सिंह छोटे थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। कर्णवीर सिंह मात्र 23 साल की उम्र में अपने नाम को अमर बनाकर इस दुनिया को रुखसत हुए। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी फैमिली की तरफ से, आर्किटेक्ट की तरफ से। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि ये तो थे अभी तक के अपडेट, बाकी और कौन कौन निकल के सामने आता है कर्णवीर सिंह के परिवार के लिए वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक्टिवेट रहना। मैं जल्दी मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ। अपने टाटा बाय, वंदे मातरम।